इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की खबरों पर। मुंबई एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने से यात्रियों की लगी भीड़। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एक कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने के कारण लंबी कतारें लग गई, क्योंकि चेक इन अब मैनुअल मोड में किया जा रहा था, जो संभावित रूप से फ्लाइट टेक ऑफ शेड्यूल को परेशान कर रहा था। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 टर्मिनलों में से एक T2 ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों को करीब 1 घंटे से बैगेज ड्रॉप के लिए इंतजार करना पड़ा। पांडुचेरी में मंदिर की हथिनी लक्ष्मी की मौत, सैकड़ों लोगों ने नम आँखों से दी अंतिम विदाई। 1995 में एक उद्योगपति ने लक्ष्मी नाम की हथिनी को मंदिर को दान में दिया था। तब से ही यह भक्तों और विदेशी टूरिस्टों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी, लोग इसका आशीर्वाद लेते थे। पांडुचेरी में मनकुला विनायकर के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी एक हथिनी की बुधवार को सैर के दौरान अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 1995 में एक उद्योगपति ने लक्ष्मी नाम की हथिनी को मंदिर को दान दिया था। हथिनी की देखभाल कर रहे क्षेत्रीय सरकार के एक पशु चिकित्सक उस जगह पर मौजूद थे, जहां उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि जानवर की सेहत ठीक थी और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। वह कल्वे कॉलेज सरकारी माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। 50 किलोमीटर और 16 सीट, पीएम मोदी ने गुजरात में किया अब तक का सबसे लंबा रोड शो। पीएम नरेंद्र मोदी का यह रोड शो भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी नेता द्वारा निकाला गया सबसे लंबा रोड शो बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया। बता दें कि गुजरात में आज 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाबत पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। पीएम मोदी रोड शो के दौरान जिस क्षेत्र से वह गुजरे, वहां पर मतदान होने में केवल 4 दिन शेष है। सिद्धारमैया ने कनक जयंती पर काटा 75 किलो का केक, समर्थकों ने बताया भविष्य का सीएम। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को दावा किया कि आरएसएस और संघ परिवार समाज से जाति व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज होने लगी है। कनक पिता के शिव नंदपुरी स्वामी और कई पूर्व मंत्रियों ने उन्हें नया सीएम बनाने की वकालत की। केक पर लिखे मैसेज ने सबका ध्यान खींचा। इसमें लिखा था अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। इस अवसर पर उन्हें एक तलवार भी सौंपी गई।